जय श्री राम। स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी भाइयों बहनों का अपने परिवार हिंदू रिचुअल चैनल में। रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं बंधु। हम लोगों का परम सौभाग्य है कि 19 वर्षों के बाद में जो अपने भारतीय जो सबसे बड़ा पर्व स्वतंत्रता दिवस माना जाता है वो और रक्षाबंधन एक साथ में 15 अगस्त को मिल रहा है, तो हम लोगों के तो उत्साह का जो है कोई ठिकाना नहीं है। खूब आनंद लेना इस दिन हम सभी को है। और उसमें भी अच्छी बात यह है कि इस बार कोई भद्रा वगैरह का दोष नहीं मिल रहा है। हाँ, राहु काल दिन में 1:30 बजे से लेकर के 3 बजे तक है, तो इस बीच में हम अगर बरा सकते हैं तो इस बीच में राखी न बांधे, और अगर कहीं कोई जल्दबाजी है, आना है जाना है, कहीं कोई समस्या है तो बांध सकते हैं, उसमें कहीं कोई हर्जा नहीं है। ये तो परम कल्याणकारी जो है पर्व है और मानवता का इससे बड़ा पर्व शायद कोई हो। और वो कितने भाग्यशाली बहने जो अपने भाइयों को रक्षा बांधते हैं, और भाई भाग्यशाली हैं जो बहनों का आशीर्वाद ग्रहण करते हैं और उनके हाथों से राखी बंधवाते हैं। तो बंधुओं, ये पूरा दिन जो है हम लोगों को प्राप्त हो रहा है जिसमें हम राखी बंधवा सकते हैं। दिन में 1:30 बजे से 3 बजे का टाइम जो है राहु काल का है। दूसरी बात, अभिजिन मुहूर्त जो है उसमें भी बेस्ट माना जाता है, जो 11:51 AM से लेकर के 12:51 PM तक जो है अभिजिन मुहूर्त है, उसमें भी बेस्ट है। पर मेरा अपना मानना है भाई बहन जब समय अनुसार बैठ जाएं आराम से, और हाँ इसमें कोई ज्यादा विधि नहीं है, पूर्व अथवा पश्चिम मुख करके बैठ जाना चाहिए, राखी जो है पहले भगवान को अर्पण कर देना चाहिए, फिर टीका लगा करके कुछ मीठा खिला करके और जो है भाई की कलाई में रक्षा बांधना चाहिए, भाई को प्रणाम करना चाहिए, चाहे छोटी बहन हो चाहे बड़ी बहन हो, और उनको जो है कुछ गिफ्ट इत्यादि देना चाहिए, और संसार में तो इससे बड़ा संबंध शायद कोई हो। तो इस तरह से हम लोग ये रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं। कई बहनें जो है, यहां तक हमारी बिटिया रानी भी कहती है कि जब तक जो है भैया को राखी नहीं बांधेंगे तब तक जो है जय जय सियाराम कुछ हम अन्य इत्यादि ग्रहण नहीं करेंगे। और उसी दिन जो है श्रावणी का भी जो है विशेष पर्व है, श्रावणी उपाकर्म है, तो वो भी जो है ब्राह्मणों के लिए सबसे बड़ा ये त्योहार है। उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाने का प्रयत्न करूंगा, वो भी आप देखेंगे, चैनल पर आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो बंधुओं, इस बार ज्योतिषीय देखा जाए तो मुहूर्त के हिसाब से बहुत अच्छा पर्व हम लोगों को प्राप्त हो रहा है और इसका हमें अधिक से अधिक लाभ लेना चाहिए। इसकी कथा के बारे में जो है चर्चा हुई है, वहीं पर जो है महाराज बलि को जब भगवान वामन रूप में आए, सारा कुछ उन्होंने ले लिया, फिर बाद में भगवान जो है प्रसन्न हो गए, अच्छा भैया बोलो तुम्हें क्या चाहिए, तो आप हमारे द्वारपाल बन जाओ, मतलब जैसे भी मैं घर से बाहर निकलूं, आऊं जाऊं कहीं भी, हर जगह आपका दर्शन हो। तो भगवान के यहाँ जो है द्वारपाल बन करके रह गए। बाद में बहुत दिन बीत गया, फिर लक्ष्मी माता को सारे देवता लोगों ने कहा महाराज माता जी वो तो जाकर के वही भक्त के अधीन हो गए, प्रभु उनको आप लेकर के आओ नहीं बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। फिर यही राखी के दिन, रक्षाबंधन के दिन माँ महालक्ष्मी जो है ब्राह्मणी का रूप धारण करके आती हैं। राजा बलि, उनके बड़ा दानी तो शायद कोई हो, सबसे बड़े दानी में महाराज बलि का नाम आता है, जबकि वो दैत्य कुल में थे, तो भी वहां जो है क्योंकि प्रहलाद जी के कुल में थे तो असर तो रहेगा ही दादाजी का। फिर वहां पर वो जाती हैं और वहां पर जो है उनको महाराज बलि को रक्षा बांधती हैं। फिर वो बोलते हैं कि जो है कि बताओ बहन आपको क्या चाहिए, आज आपने मुझे रक्षा बांधा है, तो बोलती हैं कि प्रभु अगर आप दे नहीं पाओगे, तो बोलते नहीं मैं महाराजा हूं मैं क्यों नहीं दे पाऊंगा, तो क्या अगर आप देना चाहते हो तो आपका जो द्वारपाल है ये हमको दे दो। अरे आप क्या मांग रहे हो बहन, ये तो हमारे जो है हमारे प्राण है, ये मैं इनको कैसे दे दूं, तो वो कहती है आपके प्राण है लेकिन हमारे प्राणनाथ है प्राणेश्वर हैं क्यों। तो फिर वो महालक्ष्मी प्रकट हो जाते हैं, फिर उनका पूजा करते हैं, प्रणाम करते हैं, बहुत दिनों तक उनकी दोनों का अवभगत करते हैं। फिर बाद में जब वही दीपावली के दिन फिर भगवान विष्णु को लेकर के माँ पहुंचती हैं बैकुंठ में, फिर वहां पे सारे देवता लोग आरती उतारते हैं, पूरा दीप जलाते हैं, घर को सजाते हैं, उसलिए भी दीपावली मनाया, एक तो राम जी आते हैं वो, दूसरा ये भी कारण दीपावली के दिन है कि मनाया जाता है। तो इस दिन जो है उसके बाद जो है फिर अगले दिन वो निकलना चाहते हैं, तो फिर माँ रोकती है बलि जी को कि भैया आए हो, अच्छा बलि को भी साथ में लेकर गई थी, आए हो तो जरा एक दिन तो रुको, फिर अगले दिन उनको अपने हाथ से बना के खिलाती पिलाती है। तो भगनी गृह भोजनम, तो जो वो भैया दूज वाला, उसमें भगनी के घर भाई को जाकर के भोजन करना चाहिए, और इसमें रक्षाबंधन में बहन को भाई के घर जाकर के राखी बांधना चाहिए, आशीर्वाद देना चाहिए और आनंद का कारण बनना चाहिए। तो बंधु 15 अगस्त को प्राप्त हो रहा है, खूब आनंद पूर्वक जो है ये मनाइए, और अगर हमारी बहन है तो उनका हमें सम्मान करना चाहिए, नहीं जो भी धर्म बहने हैं उनका सम्मान करना चाहिए।
और उनका सम्मान तो हम अवश्य करें, करते ही हैं, कम ज्यादा करते ही हैं, पर आजकल मॉडर्न लैंग्वेज में बहुत कुछ लोग ऐसा बोल देते हैं, ऐसा कर देते हैं, वो सब उचित नहीं है, क्योंकि एक बटन अगर गलत बंद हो जाए तो सारे बटन गलत बंद हो जाते हैं, तो हमें मर्यादा का भी ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात कि अगर आप सच्चे भाई हैं तो किसी भी, चाहे आपकी पत्नी के रूप में हो, चाहे माँ के रूप में हो, या बाहर कहीं भी नारी हो, अगर आप अपनी बहन का सम्मान करते हैं, राखी बंधवाते हैं, तो दूसरी की बहन का अपमान मत कीजिए। रास्ता चलते, ट्रेन में, बस में, जहां भी मौका पाइए मदद कीजिए, वो सच्चा एक भाई होने का धर्म है। जहां भी अवसर पाइए, जिस रूप में पाइए, वहां पर आप किसी भी बहन के सुख का कारण बनिए, ना बन पाइए कोई बात नहीं, पर आपके वाणी से, आपके कर्म से, हो सकता है आपके ऑफिस में कोई काम करे, भले ही वो आपके दोस्त के रूप में है, फिर भी वो भी तो किसी की बहन है, तो उसको तकलीफ ना हो, किसी भी जो है नारी को तकलीफ ना हो, इस बात का हमें ध्यान रखें, तो ही सच्चे माने में हमारा जो है जो उद्देश्य है वो पूर्ण होगा। जय श्रीराम। इससे संबंधित जो भी प्रश्न आप पूछिएगा, बताने का प्रयत्न करूंगा। व्यक्तिगत बातों के लिए, बातों मतलब कोई समस्या, भगवान न करे अगर समस्या है, तो उसके लिए इंस्टाग्राम पर आप चल टाइप कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, हर वीडियो के नीचे इंस्टाग्राम का लिंक है, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे भी बजा दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ में। जय सियाराम।